अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की देश भर में धूम है। बॉलीवुड इंडस्ट्री से कई लोगों को इसका इनविटेशन मिला है। टीवी के रामायण के राम, लक्ष्मण और सीता यानी अरुण गोविंद, सुनील लहरी और दीपिका चिखलिया अपना एक एल्बम शूट करने वहां पहुंच चुके हैं। उनकी इस एल्बम का टाइटल है हमारे राम आएंगे, जिसके दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बारे में अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, राम का ध्यान करते ही कई लोगों के दिमाग में आज भी अरुण गोविंद की छवि आ जाती है। अयोध्या में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, राम मंदिर हमारा राष्ट्र मंदिर साबित होगा। पूरी दुनिया में जो संस्कृति कुछ सालों से लुप्त होने लगी थी, उसके लिए यह मंदिर एक संदेश देगा, जिससे हमारा कल्चर मजबूत होगा। यह ऐसी विरासत होगी जो पूरी दुनिया में जानी जाएगी। यह मंदिर प्रेरणा और आस्था का केंद्र बनेगा। यह हमारा गौरव और हमारी पहचान बनेगा। उन्होंने कहा, हमारे संस्कार सबको सीखने चाहिए। अरुण गोविंद ने कहा, मुझे नहीं पता था कि भगवान राम का निर्माण इस तरह से होगा। यह इतना बड़ा इवेंट बन जाएगा। यह इवेंट मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इवेंट है। इसमें बहुत सारी भावनाएं और एनर्जी है। पूरा देश राम का नाम जप रहा है। जो राम में आस्था रखते हैं, वहाँ खुशी का ऐसा माहौल है जो कभी सोचा भी नहीं था। मैं बहुत खुश हूँ और मैं ऐसे पल के लिए गवाह बनने जा रहा हूँ। लक्ष्मण का रोल निभाने वाले सुनील लहरी ने कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में मैं शामिल हो रहा हूँ। मुझे वो जानने को मिल रहा है जो मुझे पता ही नहीं था। देश में बहुत धार्मिक माहौल हो गया है। यह पूरी दुनिया को पॉजिटिव फीलिंग देगा। जो लोग राम के अस्तित्व को नकार रहे हैं, वे नहीं जानते कि राम क्या है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। सीता का रोल प्ले करने वाली दीपिका चिखलिया ने कहा, हमारी छवि लोगों के दिल में बस गई है। मुझे नहीं लगता कि राम मंदिर के निर्माण के बाद भी इसमें कोई बदलाव आएगा। रामायण के किरदारों को उतना ही प्यार मिलता रहेगा।